मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ग्राम सकरिया में अब नया पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है, जिससे अब नौजवान युवक हवाई जहाज उड़ाने के गुर सीखेंगे। आज स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर इस ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। अब इन बच्चों को एक बड़ी सौगात मिल गई है, जो पायलट की ट्रेनिंग करने बड़े बड़े महानगरों का रुख किया करते थे। माँ शारदा इंटरप्राइजेस लेके आया है फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग, मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट। आपको बता दें कि 25 साल पहले इसी जगह पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश सरकार ने उसे बंद कर दिया था। लेकिन जन प्रतिनिधियों के दबाव के बाद आखिरकार एक बार फिर पन्ना में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पायलट ट्रेनिंग सेंटर के ऑनर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में अलग होगा और हम अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि पन्ना जैसी छोटे शहर में और एक जो पुरानी स्ट्रिप हमारी स्टेट टाइम की थी उसको रिवाइव किया गया है और आज आरपीएन सिंह साहब ने जो कि मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कई जगह उनके एविएशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, कई उनके स्टेट्स में चल रहे हैं, और आज उन्होंने एक पन्ना जैसे छोटे शहर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है एविएशन को लेके। इससे बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलने वाला है और जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि हम भविष्य में यहाँ पन्ना के नेचर को देखते हुए, चाहे क्योंकि ये डायमंड की नगरी है, छसाल की राजधानी है, मंदिरों की नगरी है, तालाबों की नगरी है, नेशनल पार्क हमारा पीक पे जा रहा है, इसलिए उन सब चीज़ों को लेके भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि विद फैमिली वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ये भी बोला अपने उद्बोधन में कि जब हम परिवार सहित आए हैं इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ की हम प्रत्याशा में हम रहेंगे कि पन्ना वालों को क्या ऐसी चीज़ मिल रही है। पहले आप भी पैराग्लाइडिंग भी सकरिया हवाई पट्टी में की है आपने? अब एविएशन का काम अब पैराग्लाइडिंग का समाना चला गया, अब वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रूप में है, वो यदि चलेगी तो अच्छी है और नहीं है तो फिर टूरिज़्म की दृष्टि से उसको हम चालू रखेंगे। लेकिन अब एविएशन चालू हुआ है तो ये हमें बहुत पुरानी मांग रही है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे जब खजुराहो एयरपोर्ट नहीं था तब हमारी सकरिया एयर स्ट्रिप थी, लेकिन आज उसको फिर से स्टार्ट हुई है, तो इसलिए हमारे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? निश्चित रूप से पायलट्स तैयार होंगे और वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। पन्ना का यदि कोई पायलट हमें यदि आज यूएस में मिले या यूएके में मिले तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात होगी। प्रेरणा क्या, देखिए जैसा मैंने आपको बताया अभी अपने उद्बोधन में कि अयोध्या ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, तो अयोध्या रिवाइव हुआ, फिर रीवा भी रिवाइव हुआ, वहाँ भी अपनी ये थर्ड फैसिलिटी है हमारी फैल्कन एविएशन ब्रांच की, और इसका योगदान मैंने जैसा आपको बताया कि श्यामिन सिंह जी, बाबू श्यामिन सिंह जी नहीं जो यहाँ हैं, विनी राजा जिनको आप लोग कहते हैं प्यार से, तो 2006 में हम और यहाँ आए थे, तो उसी टाइम हम लोग यहाँ आए, हमने फिर तय किया कि यहाँ, फिर समय लग जाता है इन चीज़ों में, हम भी व्यस्त थे उधर। फिर ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह साहब का मैसेज मिला हमको, हमारे कमलेन सिंह जी के, तो जब इन लोगों का स्नेह और प्यार था तो आना ही था हमको, तो बेसिक कारण ये है। वी डी शर्मा जी का बहुत स्नेह है, आज वो आ नहीं पाए हैं, और वो भी यहाँ बताया तो उद्घाटन से पहले वो आ चुके हैं, तो आप सब लोगों का स्नेह था, आदेश था, आशीर्वाद था, तो हम आए। गौतम अडानी जी का भी पत्र आया है जी, क्या कहा है? वो लिखा है उस पर स्क्रीन पर आप पढ़ लें, इसीलिए डिस्प्ले पर लगा है वो, आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं और उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आगे क्या प्रोजेक्ट रहेंगे पन्ना के? अब जैसा आप लोग चाहेंगे, आप लोग की क्या ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं आप बताएं, हम तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके जनप्रतिनिधि ब्रजेंद्र सिंह साहब हैं, इनसे आप लोग अपनी समस्याएं बताएं, वैसे तो बहुत तंग करते होंगे लोग सुबह से शाम तक, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं बताएं जिससे हवाई चप्पल पहन के चलने वाला आदमी हवाई जहाज़ में चप्पल पहन के ना चले, हवाई चप्पल पहन के ना चले, जूते पहन के चले और सूट बूट पहन के चले, हमारी ये इच्छा है। भाई जब राजा शाही जमाने का सकरिया एयरपोर्ट के नाम से जाने जाने वाला सकरिया एयरपोर्ट रुद्रगढ़ पैलेस नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, सिंपल। माँ शारदा इंटरप्राइजेस लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा,
डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर साथ ही पाएं मात्र 26,000 में आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है माँ शारदा एंटरप्राइजेज, सत्यनारायण मंदिर की घटिया के सामने, पुराना स्टेट बैंक हॉल, बड़ा बाजार, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396969198767669।